Hey guys, welcome back to the channel. We are back again in PC Building Simulated 2. Pick up your computer, INC, भैया हमारी कंपनी में हम वापस से आ चुके हैं. Well. इस वीडियो को लाइक करने वाले 50 लाइक्स का चले थे वीडियो के अंदर और बिल्ड करते हैं. एक पीसी अपना पड़ा हुआ था जिसका अपन ने कुछ तो चेंज करना था, मेरे को याद नहीं. ग्राफिक कार्ड था शायद, तक ना ग्राफिक कार्ड मंगाया हुआ है. Well, जल्दी से वीडियो के अंदर लेट्स गो. ओकी डोकी, मैं यहाँ पर आ जाऊंगा. बट मेरे को एक चीज सबसे पहले देखनी है यार, कि यहाँ पर ना मुझे लीव वर्कशॉप का ऑप्शन. अरे यार, ये तो एंडे वाला ही है, अभी एंडे करना ही नहीं अपने को. यहाँ पर अपना क्या आरओजी बेच रहे हैं, गीगाबाइट बेच रहे हैं, आरओजी वाले 2080 Ti तक बेच रहे हैं यार. वेल, हमें नए ऑप्शन मिल जाएंगे बेचने के लिए ग्राफिक कार्ड और बहुत जल्दी, जैसे जैसे अपनी लेवल बढ़ेगी. अभी के लिए देखा जाए तो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ग्राफिक कार्ड जो था वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, क्या तो दिया था शायद तक, है ना. अब मेरे को शायद तक नई मेल्स वगैरह लेनी होंगी. और देखा जाए तो यहाँ पर कुछ पार्ट्स अवेलेबल हमको दिखा रहा है. थैंक यू. ओके, वेल ये क्या रहा है, हमें 3D मार्क टाइप्स का ऑब्जेक्टिव, ये क्या चाहता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने को SSD में क्लोन करना है, इंस्टॉल करना है. ADATA अल्टीमेट SU650 लेवल 5 का ही है ना, $200 और 280 का. ओके, मैं देखूं जरा इंस्टॉल. ADATA अल्टीमेट इसको कौन सा चाहिए, 600 और बेटर 480 वाला भी चलेगा इसको, SU650 का, और ये भी चलेगा. ठीक है, वेल देखा जाए तो प्राइस डिफरेंस, भैया मैं तो ये 480 लगाऊंगा, बजट ही नहीं है. ओके, अब मैं डाल रहा हूँ गाइस, फाइनली लेट्स गो. कंफर्म चेकआउट करो, यस बाय नाउ हो गया. कंटिन्यू शॉपिंग करते हैं, इसको एक बार के लिए बंद करते हैं. नेक्स्ट ईमेल देखी जाए तो यहाँ पर है ये अपना अपग्रेड्स कुछ है. ये अपन ने कर दिया था. बस दो ही हैं, ये एक पड़ा हुआ है 3D मार्क. क्या है ये क्या है. दिस जॉब रिक्वायर्स यू टू यूज 3D मार्क एंड पार्ट रैंकिंग एप्स टू हेल्प इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कस्टमर स्पीसी मैच द डिजायर्ड बेंचमार्क. ओके, पहले मेरे को पढ़नी पड़ेगी इसकी मेल. इसका नाम एडन है, तो अपने को इसका बेंचमार्क 2000 का स्कोर लेना पड़ेगा. थैंक्स, आई कांट वेट टू. 39 साल का है भाई, कैसे कैसे गेम खेलता है, शर्म ही नहीं आती इसको खेलना. ये वाला गेम ठीक है, अपन ने एक्सेप्ट तो कर लिया है. अब इसका आ जाएगा अगले दिन. वेल, अभी के लिए मेरे ख्याल से अपने को डे करना होगा, एंड आई विल सी यू टुमारो. टिल देन बाय बाय, हैव फन. वेल, इट्स अ न्यू डे. सबसे पहले मैं सारे पार्ट्स ले लेता हूँ. यस, ये आ चुका है सारा का सारा सामान. इस पीसी को चक लिया जाए, इसको अपने को रखना होगा यहाँ पर, एंड जो दूसरे वाला पीसी है उस पर भी अपने को USB वाला काम करना है ना, तो उसको अपने रख देते हैं जरा यहाँ पर. ओके, इन दोनों पे भी आएंगे काम करने पर. सबसे पहले अपना चारों पीसी बिक गए, वेट करना जरा. शॉप सेल्स में देखा जाएगा, अपना वो प्रॉफिट हो चुका है. और ये क्या है, ये सबसे ज्यादा अच्छा वाला बिकेगा, 69% प्रॉफिट, 31% प्रॉफिट. अच्छा, ये तो अपन ने बेचा था ना, मस्त प्रॉफिट हो चुका है अभी मेरे को. जरा ऊपर चलते हैं, देयर वी गो भाई, $400 का ऑफर हो गया प्रॉफिट. नाइस, वी हैव $5,000 राइट नाउ इन अवर पॉकेट. फटाफट चलते हैं, आज ढेर सारे पीसी बना के बेचेंगे गाइस. इंस्टॉल करते हैं ग्राफिक कार्ड में, मैं चलता हूँ फटाफट से. ये ब्रोकन था ना, अपने इसकी जगह ये वाला लगाना है, 8X 8G वाला, यही मैंने मंगाया था इसके लिए आई गेस, है ना. तो अपने काम करते हैं, ये लेते हैं, पहले इसको सेल कर देते हैं, इसको चकते हैं. इसको जरा मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा गाइस यहाँ पर, इसको सेल के लिए लगा देता हूँ मैं फटाफट से. पहले केबल्स लगानी पड़ेंगी. वेल, यहाँ पर कोई बेंचमार्क बना हुआ आ रहा है गाइस, चलो एक बार इसको प्लग इन करके देखते हैं. साइड में बेंचमार्क लिखा हुआ क्यों आ रहा है, आई डोंट गेट इट. वेल, आई होप सो कि ये बूट हो जाए आराम से. हो गया गाइस, रेडी टू बूट, दिक्कत ना करे बस. हो गया फाइनली, वी आर गुड टू सेल इट गाइज, लेट्स गो. एग्जिट करते हैं, इसको जरा सेल पे लगा देते हैं. वेल, इसका नाम अपने सबसे पहले रख देते हैं जी, कौन सा, बीस्ट 6 है ये. देयर वी गो, $1000 का प्राइस हो चुका है इसका. इसका बेंचमार्क स्कोर है 3933. ओके, वेल बढ़िया है. और इसका रिटेल प्राइस ये अपने को इतना दिखा रहा है, मैं इसको 1200 का बेच सकता हूँ, 84% चांस है, बेच देते. ओके, वेल अभी कुछ नए पीसीज आ चुके होंगे स्पेस एंड रिपेयर्स में, हेल यस. और यहाँ पर कौन सा वाला आ गया, इसके अंदर क्या ब्रोकन है, एनवीडिया. इसके अंदर भी ग्राफिक कार्ड ब्रोकन है, फाउंडेशन वाला $378 का प्रॉफिट दे रहा है, ले लो. इसके अंदर एक्चुअली में ग्राफिक कार्ड ब्रोकन है ना, तो अपने सबसे पहले ग्राफिक कार्ड निकाल के इसका ग्राफिक कार्ड मंगवा देते हैं चल के ना, जल्दी जल्दी चलो. देयर वी गो, सबसे पहले हमको इसका साइड पैनल रिमूव करना होगा. पहले मेरे को इसको ऊपर वाला रिमूव करना पड़ेगा ब्रो, फिर साइड पैनल रिमूव होएगा. ये क्या चीज है, ये बड़ा टेडी चीज है. सबसे पहले इसकी वायर निकाल लो, अब हो जाएगा रिमूव ये. ऑल राइट, देखा जाए तो ग्राफिक कार्ड के अंदर इसमें लगा हुआ था 1060 ब्रोकन, राइट. वेल अभी हम शॉप में चलते हैं फटाफट से भी, तो जरा जीबी का है, $325 का है, अपने ये चेकआउट कर लेते हैं. सेम टू सेम लगा रहा हूँ मैं, ज्यादा कुछ पंगे नहीं लेता. वैसे मैं मंगा सकता था बढ़िया वाला और, बट मैंने मंगाया नहीं, चलो जो भी है ठीक है, नेक्स्ट डे आ जाएगा. तो वेल अभी के लिए ये यहीं पड़ा रहेगा क्या, मुझे नेक्स्ट डे का इंतजार करना पड़ेगा ना. चलो करते हैं, तब तक अपने काम करते हैं, इन दोनों का काम कर लेते हैं जो भी आ रखे हैं पीसी. सबसे पहले इस वाले काम करते हैं, इसको 3D मार्क स्कोर चाहिए. हाँ चलो, पहले सबसे पहले हमको केबल्स लगानी पड़ेंगी गाइस. सबसे पहले हमको एक USB डालनी पड़ेगी इसके अंदर, USB ड्राइव. बस हो गया, आप केबल डालने दे मेरे को. यार ये पूरा ट्यूटोरियल दिखा गया गाइस, अभी भी ट्यूटोरियल चल रहा है यार, 5वें एपिसोड पे आ गया हूँ मैं इसके. सीन है भाई, क्या सीन है.
ओके बड़ा गंदा सा है भाई डूड द मोंगी डेरी एक्सपेंसिव ये प्राइमेट टाइकून करके कुछ है ओके एड एंड रिमूव प्रोग्राम करते हैं यहाँ पर चल के 3D मार्क यप खोलते हैं गाइज हो चुका है रन करके देखते हैं टाइम स्पाई ये गेम रन हो रहा है भाई इसके अंदर अपने गेम भाई ये तो काफी ज्यादा हैंग नहीं हो रहा फ्रेम देखे जाए FPS बड़े कम है गाइज मेरे 60 FPS है गेम के 7.5 चल रहे हैं इसके PC के अंदर तो मेरे को क्या पूरा देखना पड़ेगा मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ क्या भाई मैं बाहर ही निकल पा रहा हूँ अटक गया इस गेम के अंदर भाई ये पूरा मेरे को स्क्रीन क्यों दिखा रहा है मुझे नहीं देखनी लोगों के लिए मैं स्किप कर दूंगा इसको ओके इसके अंदर थोड़े से फ्रेम्स बढ़ गए हैं 21 Well, you have successfully run the 3D mark on the customer PC and have been given score for both GPU and CPU and the combined overall benchmark score इतना है ठीक है ओके ये टाइम स्पाई का 3000 है इसको 2000 का चाहिए GPU स्कोर इधर है तो now the score is known it is displayed here a new test will need to be done well, अभी अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा मॉनिटर को राइट अभी बेंच मार्क स्कोर इसका इतना है ग्राफिक स्कोर इसका खराब है CPU स्कोर इसका सही है ना तो मुझे इसके अंदर नया ग्राफिक कार्ड डालना पड़ेगा राइट जितना मेरे को लगता है मेरे को ओपन करना पड़ेगा ऐप पार्ट रैंकिंग चलो अच्छा पार्ट रैंकिंग का ऐप डालना पड़ेगा मेरे को इसमें बेंचमार्क स्कोर आ रहा है 2000 का है ना CPU का है ये वाला है रेड ऑन ऑलमोस्ट देयर गो टू द शॉप एंड ऑर्डर द LF शॉप नॉट इंस्टॉल्ड ओके क्या मैं इसके अंदर और एड रिमूव कर सकता हूँ प्रोग्राम शॉप है शॉप को इंस्टॉल कर देते हैं यहीं से ही कर देंगे फिर शॉप में चलते हैं इंस्टॉल करते हैं इसको चाहिए 3D मार्क वाले को कंफर्म कर दो चेकआउट कर दो बाय नाउ अब अपने को जाना होगा फिर से USB ड्राइव में अपने चलते हैं 3D मार्क स्कोर को अनइंस्टॉल कर दो ऑलराइट ये अभी कल तक आ जाएगा इसका सामान लेट्स गो टू दिस PC ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोनिंग ओके वेल सबसे पहले अपने को इसको रिमूव करना पड़ेगा इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने को इसके अंदर साटा राइट वो बैक साइड से होएगा इंस्टॉल करते हैं स्टोरेज साटा हमने मंगवा रखा है केबल के साथ इसको फिट कर देते हैं गाइस इंस्टॉल करते हैं रिमूव्ड कंपोनेंट्स ये सारा मेरे को ट्यूटोरियल क्यों दे रहा है मेरे को पता है हाँ हाँ अब इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने को USB ड्राइव फिर से इसके अंदर केबल्स लगाओ पावर से ऑन करते हैं मॉनिटर पे चलते हैं GigaByte का हमारा मॉनिटर ऑन हो रहा है अभी यार ये है तो DFL का ही GigaByte मेरे ख्याल से या तो ये मेरा क्लोन करता है सारा ना जो मेरा कंप्यूटर है वही करता है OS क्लोनर ओके ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोनर अब इंस्टॉल करना पड़ रहा है अपने को OS क्लोनर ऐप इज नाउ इंस्टॉल्ड ओके क्लोज ओके वेल इसका बैक करना पड़ेगा इंस्टॉल करना पड़ेगा अब अपने को OS क्लोनिंग USB ड्राइव कॉल डालनी पड़ेगी क्लोन करना होगा OS ऑपरेटिंग सिस्टम को ओके इतनी जल्दी तो हमारा नहीं होता ऑपरेटिंग सिस्टम क्लोन भाई रीस्टार्ट द PC रीस्टार्ट ओके ओमेगा OS इंस्टॉलेशन ये यहाँ पर है गुड टू नेक्स्ट ड्राइव एडिटा अल्टीमेट ओके ये हमारा है ना ठीक है यहाँ पर अपने वो करना है SSD के अंदर ओके ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है आई गेस सक्सेसफुली वी हैव डन इट पैक करो चको ओके वेल अब इसको अपने बेचने के लिए वापस भेज देते हैं यहाँ पर चलते हैं ईमेल पे चलते हैं अपने पास कुछ नई ईमेल्स आ चुकी हैं पहले एक्सेप्टेड में चल के कलेक्ट कर लेते हैं जरा इसका ओके कोई नई एप्लीकेशन अनलॉक हो चुकी है बहुत गुड एंड बैड ओके रिव्यू कस्टमर हिडन ऑब्जेक्टिव कस्टमर रिव्यूज आर फिकल थिंग्स एंड पीपल आर नॉट ऑलवेज अपफ्रंट हिडन ऑब्जेक्ट्स मेक श्योर यू डू अ गुड जॉब भाई मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ इनकी ईमेल्स ओके वेल अभी इनबॉक्स में चलते हैं कुछ नई चीज़ें आ चुकी हैं लेवल अप हो चुका है कुछ नए PC आ चुके हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है ये ऑलराइट इट्स दिस लिटिल स्लो डाउन रिमाइंड मी टू ओके वेल हमने इसका कर लिया एक्सेप्ट फालतू का इसने चीजें बोली हुई थी कुछ फिक्स का आ चुका है रिप्लेस करना है मदरबोर्ड रिप्लेस करना है पावर सप्लाई एक्सेप्ट कर लेते हैं एक बार फिर देखते हैं क्या चाहिए इसको एक इसको 3D मार्क चाहिए स्कोर इसको खेलना है AD ने जो कि ये तो सेम बंदा नहीं है क्या अच्छा ये तो अपना चल ही रहा है अभी इसका पढ़ना पड़ेगा गाइस इसको क्या चाहिए एक्चुअली में वेल इसका क्या है ना कोई मतलब बारिश आई और फट गया भाई इसका PC कोई हो गया जो भी पंगा होना था और अब ये चाहता है कि या तो मैं इसका रिकवर कर लूँ मदरबोर्ड और ये पी पावर सप्लाई को नहीं तो इसको रिप्लेस कर दूँ चलो ठीक है जो भी हमने एक्सेप्ट तो कर ही लिया है अभी के लिए हम चलते हैं जी डे एंड करने के लिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट डे सी यू टुमारो ओकी डोकी गाइस वी आर बैक कुछ नया सामान आ चुका है हेल्प फ्रिकिन यस दे दीजिए मुझको जरा ये अपने चखते हैं जरा और इस PC को मैं रख देता हूँ जी यहाँ पर और ये वाला जो PC है मेरे ख्याल से मुझे इस पे पेंटिंग वगैरह करनी है तो अपने इसको रख देते हैं यहाँ पर अब अपने चलते हैं जो अपना एक PC पड़ा हुआ था वो बिका ही नहीं भाई सामान ही नहीं था इंस्टॉल करते हैं कुछ ये अपने पास ग्राफिक कार्ड अपना नया आ चुका है गैस ओके ये ब्रोकन था इसको अपने सेल कर देते हैं ये वाला अपने पास नया आ चुका है इसको हम यहाँ पर फिट कर देते हैं जल्दी से केबल से अटैच कर दिया जाए सर इसमें बेंचमार्क स्कोर मैं रन करूँ क्या एक बार इसमें करके देखता हूँ ना क्या होता है इंस्टॉल करते हैं इसका रिमूव्ड कंपोनेंट अब इसका ऊपर वाला हिस्सा रिमूव करो इंस्टॉल ओके वेल एक बार के लिए इसकी पावर ऑन करते हैं और इसके अंदर मैं काम करता हूँ जरा इसको इंस्टॉल कर देता हूँ इसके अंदर चलते हैं एड एंड रिमूव करो 3D मार्क इंस्टॉल कर देते हैं जरा
वेल मुझे क्या इस गेम को रन करना पड़ेगा फिर से इसका बेंचमार्क स्कोर लेने के लिए। एक बार एक मिनट के लिए रन करके देखूं क्या। ओके फाइनली इस बार 24 फ्रेम्स पर सेकंड दिखा रहा है ये। वेल मुझे इसको एक मिनट के लिए रन करना पड़ेगा गाइस, मैं तुमसे एक मिनट बाद मिलता हूँ। ओके वेल इस बार यहाँ पर थोड़ा ढंग से दिख रहा है ना, ये कोई आंटी खड़ी है सामने। राइट 4000 का इसने ओवरऑल दे दिया हमको बेंचमार्क स्कोर, आई गेस दैट इज गुड। खोलो रिमूव करो अपने इसको जरा फटाफट से। देयर वी गो, लेट्स गेट आउट हियर नाउ। पावर ऑफ कर देते हैं, इसको बेचने की तैयारी कर देते हैं गाइस। वैसे सुंदर लग रहा है ना। ऑलराइट इसको चखते हैं, बेचने के लिए लगा देते हैं हमारा बीसी भैया जी। यहाँ पर रखते हैं 1200 का इसका है, नेम रख देते हैं बीस्ट 7। ओके 7 सेव इट। 1200 इतने का हो चुका है, बेंचमार्क स्कोर काफी बढ़िया है इसका। अपने काम करते हैं, इसको 1400 का बेचने की ट्राई करें। 90% है, 1500 में कितना परसेंट दिखा रहा है, 83, 1500 का बेचेंगे गाइस। चलो वेल अभी हमारे पास कुछ नया सामान आ चुका है। सबसे पहले मैं उन पीसी से काम कर लूँ, यहाँ पर हमारे पीसी पड़े हैं। ओके सबसे पहले इसका पीसी का काम करते हैं गाइस। वेल सबसे पहले अपने रुको जरा, पहले पावर ऑफ करो इसकी, जरा हम ये हटा देते हैं जल्दी से चल के। और इसका हमें ग्राफिक कार्ड एक्चुअली में चेंज करना था, राइट। इसका ग्राफिक कार्ड अभी मैं निकाल देता हूँ एंड अब इंस्टॉल करते हैं हम नया ग्राफिक कार्ड इसका जो कि इसके लिए था। अब हमें केबल्स लगानी पड़ेंगी फट से भी तो। ओके वेल पावर ऑन करते हैं, अब फिर से इसके ऊपर अपने को बेंचमार्क रन करना पड़ेगा। ओके हो चुका है, 3D पे चलते हैं, लेट्स रन इट। वेल फाइनली हो चुके है इसका कंप्लीट, देखा जाए तो पूरा हो चुका है। लेट्स गो, पावर ऑफ कर दीजिए, बाहर चलते हैं। ओके इसको भैया भेज देते हैं बेचारे के पास। लो भाई तेरा काम हो चुका है, तेरे पैसे मैं ले लेता हूँ मेरे भाई। एक्सेप्टेड में चल के देखा जाए, कलेक्ट कर ली जाए मनी, थैंक यू सो मच। $620 देके गया भाई। वेल अब इस पे काम करते हैं जरा, इसको क्या चाहिए था, पेंट करना है अपने को ये केस पर्पल के अंदर। ऑल राइट एंड अप्लाई करना है स्टिकर टू द केस। वेल सबसे पहले हमको इसको चखना होगा, बेंच को अपने को चेंज करना होगा केस मॉडलिंग के अंदर एंड इसको अपने को करना है पर्पल एंड अप्लाई नहीं करना है ग्लास के ऊपर गाइस हमको। अभी बैक साइड से तो होता नहीं है, साइड से करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कर दे भाई। पीसी इसका बड़ा पुराना टाइप का, सीडी भी जाती है यार। ओके नोजल का साइज अपने बढ़ा देते हैं गाइस। ओके वेल अपना हो चुका है कम्प्लीट, अब अपने को स्टिकर अप्लाई करने है एक्चुअली में हर्ट वाला। ओके शेप्स देखी जाए, ये हर्ट का है ना, हर्ट शेप, पर ये हर्ट शेप इतना तो अच्छा नहीं लग रहा, वार्निंग साइन सिंबल। ओके अब फिर से डाल रहा हूँ मैं, 1 2 3। ओके वेल वी डिड इट, अपने इसको बेच दे देते हैं फिर से भाई जाने के लिए। तू भी जा ऐश कर ब्रो, मेरे को पैसे दे जा जल्दी से, धन्यवाद मेरे भाई। ओके वेल रेटिंग पूरी दे दी मेरी, वैसे 4.5 की रेटिंग है। यहाँ पर चलते हैं, वेल इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से चक्के ना यहीं पर ही रख देता हूँ वापस बिल्ट मोड में। अपने करना क्या, रिप्लेस करना है इसका मदरबोर्ड PSU ब्रोकन पार्ट्स। अरे इसका पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस करना है अपने को बे, मतलब मेरे को सब कुछ रिमूव करना पड़ेगा इसमें से, इवन पावर सप्लाई तक करनी पड़ेगी यार। PSU को फटाफट से रिमूव करते हैं गाइस, ये तो पूरा ही बिल्ट करना पड़ेगा और इसका सामान भी तो मंगाना पड़ेगा। चलो सबसे पहले इसको रिमूव करो। ओके वेल इसको रिमूव करो गाइस, रैम को रिमूव कर देते हैं फटाफट से भी तो, अब तो हो सकता है मदरबोर्ड फाइनली। देयर वी गो। ओके वेल मदरबोर्ड हमने रिमूव कर दिया यहाँ पर, बाकी सारा सामान हमें रिमूव करने की जरूरत है नहीं। बैक करते हैं एक बार के लिए, चलते हैं जरा यहाँ पर, देखा जाए तो अपने को एक्चुअली में जाना होगा एक बार के लिए फिर से यहाँ पर। इसको रखो इंस्टॉल में जाके देखा जाए तो ये अपने पास ब्रोकन वाला पड़ा हुआ है ऐसे ही फालतू का। ये ऑन्ड है, CPU कूलिंग ऑन्ड है, मदरबोर्ड ब्रोकन है ये वाला, राइट। ये है DFL H170। ओके DFL है H170 41X, इसको बाय करते हैं, रिप्लेस मदरबोर्ड के अंदर इसको मंगा लेते हैं। देयर वी गो, एक बार के लिए चेकआउट को बंद रखते हैं। अब अपने को चेक करने है कि इसके अंदर पावर सप्लाई कौन सी लगी हुई है। सर पावर सप्लाई के बारे में बात की जाए तो ये ब्रोकन है, ADATA का XPG रिएक्टर, कोर रिएक्टर। ओके ये रहा ना ADATA का XPG कोर रिएक्टर 650 वॉट, बाकी सारे कम वॉट के अपने 650 वॉट वाला ही इसके अंदर लगा देते हैं गाइस। कंफर्म कर देते हैं चेकआउट, $270 का है, बाय कर लेते हैं। कंटिन्यू शॉपिंग, देयर वी गो। वेल इसका सामान आ जाएगा, अभी मैं क्या सोच रहा हूँ ना अपने नया एक स्पेयर एंड रिपेयर से खरीद लेते हैं, और कुछ ईमेल्स और आई होंगी उनको भी चेक कर लेते हैं। ये डिलीट करो, ये डिलीट करो, ये डिलीट करो। ओके वेल अपने काम करते हैं गाइस, यहाँ पर चल के देखते हैं ईमेल्स ना। ओके ये कह रहा है क्या करना है, माय पीसी इज लुकिंग लिटिल ड्रैब। ओके 10 दिन का ऑप्शन दे रहा है मुझे कंप्लीट करने के लिए, चलो ठीक है अपने इसका कर लेते हैं कस्टमाइजेशन वाला। कंटिन्यू, ये भी आ जाएगा यहाँ पर। अपने को क्या बोल रहे, डायग्नोस एंड फिक्स। हे देयर, वेल मेरे को डायग्नोस एंड फिक्स करना पड़ेगा इसको। दिस जॉब रिक्वायर फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद द पीसी बिफोर बीइंग एबल टू ऑर्डर द पार्ट्स। तो वेल ये बोल रहा है कि इसका पीसी एक्चुअली में ना काफी जल्दी गर्म हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर अपने कूलर लगाना पड़ेगा, लिक्विड वाला आई गेस। ये अपन ने कंप्लीट कर लिया, ये अपना चल रहा है एंड ये अपन ने ले लिया, दो हमने एक्सेप्ट कर लिए लेडीज एंड जेंटलमैन। अब हम फटाफट से चलते हैं जरा यहाँ पर,
लेट्स गो टू द स्पेयर एंड रिपेयर्स। यहाँ पर अपने पास आ चुका है क्या ये, ओके वेल ये बोल रहा है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर है $303 का, ब्रोकन है इसके अंदर FSP डैगर प्रो 550 वॉट। मेरे को चेक करने दो पावर सप्लाई है ना, के FSV डैगर प्रो 550 वॉट है भाई, ओके ठीक है। इसके अंदर पावर सप्लाई एक्चुअली में ब्रोकन है ना, तो अपने इसके बाय कर लेते हैं। देयर वी गो, वेल इसके अंदर पावर सप्लाई ब्रोकन है सर। वेल अभी हम काम करते हैं, इसको जरा चकते हैं सर, और इसको हम जरा यहाँ पर बिल्ट मोड वाली जगह रख देते हैं। देयर वी गो, केवल ये बड़ा छोटा पीसी नहीं है, मिनी पीसी भाई, ये तो मिनी पीसी है। इसका पावर सप्लाई किधर है, ये मदरबोर्ड हो गया, ये पावर सप्लाई यहाँ पर है, ठीक है। अब तो रिमूव कर दे भाई, कितनी सारी वायर हैं लगी हुई यार। फाइनली पावर सप्लाई हमने निकाल दिया है, ओके ये है FSP डैगर करके कुछ है, ठीक है। वेल मैं इसको फटाफट से ऑर्डर पे लगा देता हूँ शॉप सेल के बारे में। अच्छा ये अपना एक कल वाला पीसी बिक गया रे 102% के प्रॉफिट के साथ, कलेक्ट कर लो $606, थैंक यू सर, ओके। तो वेल मैं इसको जरा मंगा लेता हूँ FSP डैगर प्रो को, 550 वॉट का है भैया जी ये। वेल देखा है तो ये 115 का, 115 में 650 वॉट वाला मंगा लेता हूँ ना फिर, या तो मैं 650 वाला मंगा रहा हूँ अभी के लिए, सेम रेट का है, बढ़िया वाला मंगाते हैं थोड़ा, ठीक है। वेल ये अपना आ जाएगा कल तक में, अभी अपने चलते हैं यहाँ पर शॉप्स एंड रिपेयर में चलते हैं। 273 का है ये, कह रहे हैं क्रॉस एयर डोमिनेटर प्लैटिनम RG, ओके तो इसकी एक मेरे ख्याल से रैम खराब है ना क्रॉस एयर की। चलो अपने वाला बाय कर लेते हैं, इस पे भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं गाइस। चलो अपने यहाँ पर चलते हैं जरा, इज दिस बिल्ड मोड सर। सबसे पहले मेरे को इसका ये वाला हिस्सा रिमूव करना पड़ेगा, देयर वी गो। एंड देखा जाए तो अब इसके अंदर रैम है ना क्रॉस एयर की, कौन सी वाली है मेरे को चेक करना पड़ेगा एक। वेल देखा जाए तो मैं इसके अंदर से एक रैम हटा देता हूँ, या इसकी मैं मंगा ही देता हूँ, बढ़िया रेट में बेचेंगे गाइस। एक ब्रोकन पड़ी हुई हमारी यहाँ पर क्रॉस एयर की, अपने को मंगानी 8GB डोमिनेटर प्लैटिनम, ये रही 266 हर्ट्ज की, $50 की है गाइस, ये वाली मंगानी है एक्चुअली में, $85 की है ये। इसको अपने चेकआउट कर देते हैं, देयर वी गो। दो पीसी का काम हो चुके स्टार्ट, एक और अपने मंगा लेते हैं क्रॉस इससे फिर शॉप्स एंड रिपेयर से। ये है जी एसरो का स्टील लीजेंट, इसमें क्या ब्रोकन है, एजरो का स्टील लीजेंट B450, चेक करूं क्या है ये, मदरबोर्ड खराब है इसका है। चलो अपने मंगा लेते हैं ये भी, इसमें भी अपने को ठीक ठाक प्रॉफिट तो हो ही जाएगा गाइस। एजरो का B450 M है इसके अंदर, M वाला अपने मंगा लेते हैं यहाँ पर, देयर वी गो। यहाँ पर चलते हैं शॉप में चलते हैं, मैंने एजरो का B450 M स्टील लीजेंट बाय इट, चेकआउट करते हैं बाय नाउ, देयर वी गो। इसका मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं वहां रख देता हूँ ना। वेल मेरे को सारी की सारी वायर्स रिमूव करनी पड़ेंगी अभी के लिए जरा, क्योंकि मेरे को गाइस ये पूरा का पूरा इसको करना है क्लियर, अभी तो क्लीन कर दो। एनीथिंग एल्स, पहले मेरे को ये रिमूव करना पड़ेगा, वायरिंग बहुत है यार लगी हुई ना, पीछे एक और फैन है इसके साथ है। फटाफट से अपने गाइस रिमूव कर देते हैं मदरबोर्ड को। ऑलराइट वेल यहां पर हो चुका है हमारा पूरा का पूरा यहां का रिमूव, अब अपने चलते हैं फटाफट से भी तो एक और मंगा लूं स्पेयर एंड रिपेयर से, लेट्स गो। ये अपने को 190 देगा, इसका है इंटेल प्लैटिनम G4620, देखें क्या है ये इंटेल प्लैटिनम G4620। अच्छा इसका ये हो गया प्रोसेसर है गाइस इसका खराब, शॉप के बारे में बात की चुके। सबसे पहले अपने स्पेयर एंड रिपेयर में चल के इसको मंगा लेते हैं, लाओ दे दो। यहाँ पर मैंने एक रखा हुआ है, यहाँ पर दो पड़े हुए हैं गाइस, ये बड़ा मिनी पीसी है यार, चलो इसको यहाँ रख देते हैं। इसका मुझे CPU रिमूव करना है अभी बस, फिर अपने इसका देख लेंगे, ओके। वेल देखा जाए तो अब इसके अंदर जो CPU लगा हुआ था CPU वो है इसके अंदर इंटेल प्लैटिनम G4620। स्टैट्स में चलते हैं जरा, प्रोसेसर के बारे में बात की जाए तो इंटेल प्लैटिनम G4620 था क्या, वो G4620 था शायद तक ना, 2000 की रेटिंग है। i3 का अच्छा है इसका, i3 अपने पास पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से ना, अपने पास i3-6320 पड़ा हुआ है, ये इंटेल प्लैटिनम है, i3-6320 था शायद तक वो ना, वो इंटेल प्लैटिनम। हाँ अपने ये लगा देते हैं ना गाइज यूज्ड वाला, ये ब्रोकन वाले को सेल कर देते हैं, अपना ये वाला फिट हो ही जाएगा। नो इसको अपने को लगाना है यहाँ पर गाइस। सबसे पहले हम इसका ये वाला बंद कर देते हैं सारा का सारा सामान, ओके टूल्स में चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर अपने ये लगाते हैं गाइस, ये यूज वाला है, अपने यूज वाला बेच देते हैं कि ये फ़र्क पड़ता है ना। कूलिंग के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर कूलिंग वाला कौन सा लगा हुआ था, यही लगा हुआ था ना आर्टिक वाला, ओके वायरिंग कर लेते हैं गाइस। वेल ये तो बिक ही जाएगा अभी हाथों हाथ ना, अपना एक वाला पीसी तो रेडी टू बूट हो भी गया, देख लो बस अपने को बूट करके देखना है, आप जल्दी हो जाए बस बढ़िया, फिर अपने इसको बेचने के लिए लगा देंगे। क्या ये बूट हो गया गाइस, देयर वी गो नाइस, इसको चकते हैं और इसको बेचने के लिए लगा देते हैं। हमारा दूसरा पीसी गाइस बिकने के लिए जा रहा है यहाँ पर, हमारा बीस्ट एट, देयर वी गो, 679 हो चुके बेंचमार्क स्कोर इसका कम है। अपने इसको काम करते हैं 800 का ट्राई करें बेचने का,
82% है, $800 बेच दो भाई। दो हमने पीसी बेचने के लिए यहाँ पर लगा दिए लेडीज एंड जेंटलमैन। तो वेल, अपन ने काफ़ी सारा काम यहाँ पर कर लिया है, अब अपने पास और कोई खरीदने के लिए नहीं बचा हुआ। नया मार्केट अपडेट होगा तब अपने खरीदेंगे। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, हैव फन, लाइक सब्सक्राइब, शेयर, बाय।